हंसती गुन्नी बीमार होना भी बहुत मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत छोटी है। सो बताया कि मैं और जीवा पूरे दिन बस कमरे में रहते हैं एक में, सुबह सुबह जो होना होता हो जाता है, शाम को ही आ जाता है। तो आखिर पूरे दिन हम लोग कुछ करते नहीं है सच। जीवो तू काटेगा क्या केक सारे? We are back home. वेलकम बैक टू अंजलि राठौड़ व्लॉग्स आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। क्या हुआ था, क्यों नहीं व्लॉग्स आ रहे थे, सारे सवालों के जवाब आपको आगे दूंगी। फिलहाल अभी मैं और जीवू रेडी हुए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं आज बुआ के घर पे, बड़े वाले बुआ हैं उनके घर पे, श्राद्ध है बुआ के ससुर जी का, तो बुआ ने बुलाया था तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी भैया हमको लेने आ रहे हैं, ये ऑफिस चले गए थे तो भैया के साथ हम दोनों जा रहे हैं। आगे इसी व्लॉग में आपको, जैसे कि मैंने व्लॉग का थंबनेल आपको बताया है कि ये रहेगा क्यू एन ए एंड व्लॉग दोनों, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अभी आ रहे थे, जी वो बाल छोड़ो मम्मा के क्वेश्चंस आ रहे थे उनके सबके सारे आंसर दूंगी मैं। जी वो से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है वो सब भी बताती हूँ, और बाकी इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वहाँ जाके जाती हूँ और बीच में जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसी व्लॉग में बीच में आप लोगों को पहले पूरी अपडेट दूंगी कि पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा था, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, सब कुछ आपको बताती हूँ। जा रहे हैं, भैया का फोन आ गया है, जा जा एक सेकंड ना। मैं एक सूट के पीछे पड़ जाती हूँ तो पड़ी जाती हूँ, मैंने फिर से आज ये सूट पहन लिया है और जीवू ने ये ड्रेस पहना है। देखो हम दोनों मम्मा और जीवू का बैग, हम जा रहे हैं। ओ देखो दर देखना जाओ 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 अरे डांस कर रही है खुद को देख के। हेलो गाइस, सो अभी मैं बैठी हूँ बाहर बालकनी में आके, चलो आपसे थोड़ी जो बातें करनी थी वो कर लेते हैं क्योंकि अभी आ गए थे, आते ही पहले मैंने खाना खाया कि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। जीवा अभी यहाँ पे सब लोग हैं खिलाने के लिए तो वो खिला ही रहे हैं उसको। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक सेकेंड, सबसे पहला सवाल कि आप लोगों का कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। एक्चुअली काफ़ी चीज़ें थोड़ी ऐसी हो गई थी, अभी बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। आप लोगों को पता है मौसम कितना चेंज हो रहा है, एकदम से गर्मी, बारिश, फिर से धूप, इतनी गर्मी हो रही है जैसे लग रहा है कि बिल्कुल मई जून वाला टाइम चल रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो इसी वजह से आप लोगों को पता है बच्चों का वायरल चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, और जीवा को हो गया था बीच में वायरल, तो जीवा की थोड़ी सी तबीयत ठीक ख़राब हो गई थी, अभी वो काफ़ी बेटर है जैसे आपने आज देखा, तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, लेकिन बीच में उसको वायरल हो गया था। और मैं दो दिन मामी साहब घर पे भी चली गई थी, मैंने वहाँ पे ब्लॉग करने की कोशिश करी थी बट ब्लॉग वो कंप्लीट हो नहीं पाया, वो ब्लॉग की क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गई। मतलब बहुत पता नहीं, जीवा थोड़ी सी बीमार होती है तो मुझे मेरा पूरा दिमाग पता नहीं कहीं और ही लग जाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाती उसके साथ में और भी। सो जीवा जब बीमार हुई तो वो क्लिप्स वगैरह भी मैंने क्या डिलीट कर रही थी, क्या कर दिया, और फिर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, कोई एडिटिंग नहीं करी कुछ। मैं हमेशा आप लोगों को पता है अगर मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डाल देती हूँ, कोई रील डाल दी, कोई कुछ भी कर दिया, सब कुछ। मामी से के वहाँ मैं जब दो दिन गई थी तो मैंने बहुत सारा शूट किया था, डांस वीडियोस वगैरह बहुत शूट कर रखे हैं मैंने जो कि मुझे अपलोड करने हैं। अभी एपिसोड जो शूट किया था वो तो मैंने सेम डे ही वहाँ डाल दिया था, लेकिन वहाँ से आते ही जीवा हो गई थी थोड़ी सी बीमार, वायरल हो गया था उसको। सो मैं उसको दिखाने एक दिन मैं उसके लिए जहाँ रहती हूँ वहाँ से उसका डॉक्टर अपोजिट जगह पर जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मैं उसको लेके आई। देन उसके बाद फिर मैं उस दिन सेम उस दिन रात को मैं बुआ के लिए रुकी, फिर मैं सुबह वापस घर गई, तो ये सब चल रहा था। इस वजह से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ा हुआ तो इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा टाइम मिल रहा था तो कुछ ना कुछ वो कर रही थी। जब दीवा परफेक्टली फाइन है, एकदम टच वुड,
और थैंक गॉड कि वो बिल्कुल अच्छे से एकदम उसकी तबीयत भी ठीक है। खैर ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था, लेकिन वो भी बहुत छोटी है, उसके लिए थोड़े सा बीमार होना भी बहुत, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत छोटी है। सो बच्चों का वायरल चल ही रहा है खैर अभी, तो उसको थोड़ा सा वो हो गया था, बाकी इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अब वापस कोशिश करूँगी कंटिन्यू व्लॉगिंग करने की। और जो वो एक वीडियो एपिसोड 4 वाला बच रहा है, वो हील्स और मतलब स्लीपर्स और फुटवेयर ऑफ शोल्डर बैग्स वगैरह, वो मैं सोच रही हूँ सीकर जाके बनाऊँ। अब ऑलमोस्ट रात ख़त्म होने के बाद थोड़े टाइम बाद मैं सीकर चली जाऊँगी, सो वो वहीं करेंगे। आज मैंने व्लॉग बना लिया क्योंकि आज मैं फिर से बुआ के आई थी, तो कुछ रात वगैरह था इस वजह से। और खैर बाकी देखो, मैं आप लोग को मिनी व्लॉग दूंगी या तो ये तो व्लॉग दूंगी, इसके बाद में अगर मुझे लगता है कि आज पूरे दिन में कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं और जीवा पूरे दिन बस कमरे में रहते हैं एक में, सुबह सुबह जो होना होता हो जाता है, शाम को ही आ जाता है, तो बाकी पूरे दिन हम लोग कुछ करते नहीं है सच, इसलिए मैं नहीं करती हूँ व्लॉगिंग। बट मैं आपको मिनी व्लॉग्स दे दूँगी और सीकर जाने के बाद फिर से फुल व्लॉग स्टार्ट हो ही जाएंगे। और बाकी अगर हम जयपुर में रहते हुए भी हम इधर उधर कहीं जाते हैं तो मैं आपको वो व्लॉग भी दे दूँगी। सो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था, ये जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी सब कुछ चीज़ें कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। और मुझे पता है मैं इतने दिन व्लॉग, मैं 4 दिन व्लॉग छोड़ती हूँ ना, मेरा पूरी रीच डाउन चली जाती है। सो वो आप लोग मत होने दीजिए प्लीज़, इस व्लॉग को और शेयर करिए, लोगों को बताइए, और बस यही ठीक है। बाकी आगे अब दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बुआ ने यहाँ बालकनी प्लांट लगा रखा है, मस्त बालकनी में आके बैठी हूँ, इतना प्यारा सनसेट हो रहा था उधर, अभी मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था, इन दोनों पेड़ों के बीच में से वहाँ से एकदम सन दिख रहा था। ये मेरी पुरानी जगह है, ओह आई मिस दिस प्लेस। यहाँ पे थोड़ा जीवा का मन लगता था, बट क्या करें, ऑफिस दूर पड़ता था तो पहले वो देखना ज़रूरी था। जी वो तो सो गई है, मैं पी रही हूँ चाय, और आज बुआ का बर्थडे भी है और हम भूल गए थे, घंटी बजा रहा था, घंटी बजा रही है, कहाँ है लदिका बजा के बता दे। जी वो दो काटे का क्या केक सारे एक। जी वो केक केक काटने के लिए बैठ चुकी है जीवा, बेटी तैयार नहीं, कितनी खुश हो रही है। फोटो खींच ना जी, वो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, जी वो देख रही है। क्या हो गया, काटो काटो दूसरा काटो। जी वो बोलो हैप्पी बर्थडे नानीसा, देख रही जीवा तेरा ये कर रहा है, तो एक चीज ऐसी है काटा काट दो ये चले गए अब काले। देखो 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 केक खा के मजा आ रहे है जिसको। जीवो 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 वो सच्ची में बनाया हुआ जी वो बाय बाय कर दो ना अनिशा को, हम जा रहे हैं वापस घर, बाय करना तो तू यही रुक जा, मैं जा रही हूँ। जी बड़ा तू पहने की क्या खड़ी, पंचायत है जीवा तेरे को हर चीज की। We are back home. My cutie pie. क्या देख रहे हो, इस व्लॉग को कर देंगे एंड, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है डांस ट्यूटोरियल, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।